Bonjour mes étudiants. Assalamu alaikum, beautiful people. Ni hao, haola. So, kaise hai sab log? I hope sab log khair khairiyat se honge. Apne gharon mein mehfooz honge. Aur chale ji, aaj ka topic main aapko batati chalun ki aaj ka hamara topic kya hai. So, our today's topic is about days of the week and months. Okay? And हम आज सीखेंगे कि डेज ऑफ द वीक को फ्रेंच में क्या कहते हैं और डेज ऑफ द वीक को ऑल डेज को किस तरह से फ्रेंच में बोला जाता है एंड हाउ वी कॉल देम इन फ्रेंच एज वेल हाउ वी कॉल मंथ्स इन फ्रेंच एज वेल सो लेट अस स्टार्ट सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेज ऑफ द वीक को फ्रेंच में क्या कहते हैं सो इन हेयर Days of the week are les jours de la semaine. Les jours, the days, de of la semaine, of the day. Les jours of the week. Les jours de la semaine, the days of the week. Okay? Okay, sabse pehle, le jour. What is the meaning of le jour? Le jour is the day. Le jour, the day. Okay? Le jour, the day. Okay, and la semaine mean the week, la semaine, the week. Please write it down in your pronunciation, like how you get it. Please write it down in no matter what, in Roman or in Urdu. Please write it down. इससे क्या होगा कि आपको जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ कि इसमें आपको ही इजी हो जाएगा जब भी आप इसको अगेन रिवाइज करना होगा तो यू विल जस्ट ओपन योर बुक और कॉपी एंड यू विल सी कि आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से लिखी थी एंड देन यू विल गेट द आइडिया ओ वाओ आई एंड यस मैम ने तो इस तरह से करवाया था और यस जब प्रोनाउंसिएशन अपनी लिखी हुई आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा कि ओह इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ये थी सो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप साथ में इसको प्रोनाउंसिएशन को लाजमी लिखा करें नो मैटर व्हाट इन इंग्लिश और इन रोमन ओके और इन उर्दू जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है ओके सो ला सेमेन इज द वीक ला सेमेन द वीक ओके First of all, lundi, Monday, lundi. Monday is lundi, Monday, lundi. Mere saath padhiye, Monday, lundi. Tuesday, how to call that? Mardi, Tuesday, mardi. Tuesday, mardi. Okay, Tuesday, mardi. Wednesday, mercredi. Wednesday, mercredi. Wednesday, mercredi. Here we are pronouncing two R. Mer and C को हम काफ pronounce कर रहे हैं. Mercredi, mercredi. Okay, mercredi. और जब तेजी से pronounce करते हैं तो it seems like mercredi. Okay, mercredi. Wednesday. Jeudi, Thursday. Jeudi, Thursday, jeudi, Thursday is jeudi, Friday, vendredi, Friday, vendredi, Saturday, samedi, Saturday, samedi, और यू कैन से दैट समदी जो हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं इफ़ यू रिमेंबर हमारे भी रिलेशंस में इट कॉल्स समदी सो यू विल टेल मी इन कमेंट्स राइट बिलो के क्या समदी किसको कहते हैं एंड हाउ यू रिमेंबर दिस ओके एंड हाउ यू विल गेट द थिंग के वो क्या था सैटरडे को क्या कहते थे हमारे उर्दू में भी बोलते हैं क्या कहते हैं हमारी लैंग्वेज में इट्स अ रिलेशन हाउ टू से दैट देन यू विल गेट द आइडिया ओह समदी या समदी ओके तो समदी सैटरडे एंड दिमांश 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 संडे
dimanche Sunday. Okay, here's the thing. कुछ लोग इसको पढ़ते हैं dimanche, okay? And कुछ कहते हैं dimanche. Both are correct, okay? Both are correct forms. It's up to you कि आप किस तरह से pronounce करते हैं. Rather you are saying dimanche or dimanche or dimanche. Both are correct. Okay, dimanche Sunday. अब एक दफ़ा फिर से हम रिपीट करेंगे. आई विल रिपीट इट फॉर यू एंड यू विल रिपीट इट आफ्टर मी. ओके, तो किस तरह से करेंगे आप, लेट्स सी. Les jours de la semaine, the days of the week. Les jours de la semaine, the days of the week. Les jours de la semaine, the days of the week. ओके, अब le jour है the day. अब यहाँ पे हमने डेज बोला, इसलिए सेम लाइक इंग्लिश हमने क्या किया, ल के आगे एस लगा दिया टू डिफाइन के इट्स प्लूरल. के आगे हम जिसकी बात करने वाले हैं, द वर्ड इज प्लूरल. दैट इज़ वाई हमने द के साथ क्या लगा दिया, एस. बिकॉज इन फ्रेंच हम हर चीज़ के लिए द यूज़ करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द जेंडर आगे अगले वर्ड का जो भी जेंडर होता है, रादर इट्स मैस्कुलिन और फेमिनिन. अगर तो मैस्कुलिन हो तो लग जाता है एल ई ल. अगर फेमिनिन वर्ड हो, नेक्स्ट आने वाला इससे कमिंग वर्ड जो है वो फेमिनिन हो, तो इसके साथ लग जाता है एल ए ला. ओके, मतलब अगर ये योग वर्ड अगर होता फेमिनिन तो मैं यहाँ पे लिखती ला योग, एल ए ला एंड देन योग. बट द थिंग इज यहाँ पे क्या है, योग मैस्कुलिन से मैस्कुलिन. ओके, इन फ्रेंच से मैस्कुलिन इट्स मैस्कुलिन. दैट इज वाई वी पुट एल के बाद ई, जो कि बन गया ल. ओके, ल वी यूज फॉर मैस्कुलिन पोर मैस्कुलिन, एंड एल ए ला वी यूज फॉर फेमिनिन पोर फेमिना. ओके, फेमिना ए पोर मैस्कुलिन, बट फॉर प्लूरल वी जस्ट पुट एल ई एस, नो मैटर व्हाट. अब इसकी हमने नहीं देखना, जब कोई भी चीज़ प्लूरल है, और प्लूरल का कैसे पता चलेगा, लाइक जे ओ यू आर यू के साथ अगर एस लगा हुआ है तो इट मीन्स दिस इज़ प्लूरल. ठीक है, मतलब डे नहीं, ये डेज हैं. तो डेज को डिफाइन करने के लिए हमने इसके आगे सेम लाइक इंग्लिश एक्स्ट्रा एस लगा देना है, तो बन जाएगा प्लूरल वर्ड. ठीक है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. सो एक से ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो उसके साथ सेम लाइक इंग्लिश रूल, इसके साथ एस लग जाता है एट द एंड, तो बन जाता है डे की जगह डेज. सो इसी तरह द, जब डेज बन गया तो इसके पहले जो द आएगा उसके साथ ऑटोमेटिकली ना तो ल लगेगा ना ले. तब हमने डायरेक्टली इफ़ द वर्ड इज़ प्लूरल तो हमने ये नहीं सोचना कि इसकी जेंडर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, हमने डायरेक्ट क्या पुट कर देना है, एल ई एस ले. ओके, एल ई एस, यू कैन सी दिस वन ले, राइट. सो ये वाला ले लगा देना है. ठीक है, तो ले जू द डेज, ले जूर एल ई एस जे ओ यू आर एस, ले जूर द डेज. बट हेयर इज द सिंगुलर फॉर्म ओवर हेयर, ले जूर द डे. ओके, ले जूर द डे. और अगर कहना है द डेज तो ले जूर द डेज. सो ले जूर द ला सिमन, द डेज ऑफ द वीक. और सिंगल डे को कहते हैं, यानी ओनली द डे इज ले जूर. इसी तरह से ला सेमेन इज वीक. अब देखें सेमेन क्या है, मैस्कुलिन फेमिनिन वर्ड है. ठीक है, सेमेन क्या है, फेमिनिन वर्ड है, जिसकी वजह से इसके साथ क्या लगा, द एल ए ला. द का क्या लगा, एल ए ला, ना के एल ई ल. अब एक और चीज़ है जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी. हेयर इज़ अ ट्रिक, अ लिटल बिट ट्रिक, जो कि मतलब आप समझ लें कि 90% तो बिल्कुल काम आता है. और वो ट्रिक ये है कि आपने ये देखना है, इफ़ द वर्ड इज एंडिंग विद ई
तो इट मीन्स इट इज़ फेमिनिन वर्ड, जैसा कि यहाँ पे यूग वर्ड है ना, जे ओ यू आर, तो यूग अगर इसके आगे ई होता तो हम समझते कि ये मैस्कुलिन है, सॉरी फेमिनिन है, ठीक है, तो फिर हम आंखें बंद करके इसके साथ एल ए लगा देते, जबकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, जे ओ यू आर, इसकी एंडिंग ई से नहीं हो रही, इट मीन्स दिस इज़ मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन चीज़ के साथ हमने क्या लगाया, एल ई ल। इसी तरह से नेक्स्ट जो है समन, समन वर्ड है, राइट, समन मीन वीक, समन वीक। अब देखें, यू कैन सी हियर, समन की क्या है, एस ई एम ए आई एन एंड एंडिंग विद ई, इट मीन्स इट इज़ फेमिनिन वर्ड, तो इसीलिए हमने फेमिनिन को यहाँ से गैस कर लिया कि ये ई से एंड हो रहा है, इसलिए ये फेमिनिन है, ठीक है, तो फेमिनिन है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, ला लग जाएगा, जैसा कि आई टोल्ड यू बिफोर के मैस्कुलिन चीज़ के साथ लगता है ल और फेमिनिन चीज़ के साथ लगता है ला। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, मैस्कुलिन चीज़ के साथ लगता है ल, एल ई ल, टू से द, ओके, यानी द टेबल, द चेयर, द रूम, ओके, लाइक दिस, ठीक है, कुछ भी कहने के लिए द लगता है, तो द मैस्कुलिन के साथ क्या लगता है, ला, एल ए ला, सॉरी, मैस्कुलिन के साथ क्या लगता है, ल, एल ई ल, और फेमिनिन चीज के साथ लगता है एल ए ला। अब क्या याद रखना है कि फेमिनिन वर्ड वो होगा जिसकी एंडिंग ई के साथ हो रही होगी, जब ये चीज़ आपने जहन में बिठा ली तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छा ये वर्ड ई के साथ जो है एंडिंग नहीं हो रहा, लाइक दिस, ये वर्ड ई के साथ एंडिंग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये मैस्कुलिन है, तो इसके साथ ल लग जाएगा। अब ये वर्ड ई के साथ एंडिंग हो रही है तो क्या हुआ, फेमिनिन, तो फेमिनिन के साथ ला लग जाएगा। नाउ इफ द वर्ड इज प्लूरल लाइक यू, सपोज इसके साथ लगा होता, इसके साथ लगा होता जे ओ यू आर के बाद एस लगा होता, तो आपको फिर क्या पता चल जाना था, एस से ये डिफाइन हो जाना था, एस लगने से कि ये दिस इज प्लूरल, तो जब प्लूरल चीज़ हो तो मैंने क्या कहा है कि तब आपने ना तो देखना है कि ये मैस्कुलिन है, तो ना ये आपको फिर देखना है कि ये फेमिनिन है, आंखें बंद करके आपने इसके साथ ले लगा देना है, एल ई एस ले, टू से द, द कहने के लिए, यानी द डेज, क्या, द डेज ले जूर, द डेज ले जूर, ओके, तब आर के आगे एस लग जाना था और इसी तरह एल ई एस ले, सो ले जूर द ला सेमेन द डेज ऑफ द वीक। आई होप आपको ये छोटा सा ट्रिक समझ में आ गया होगा, और बिलीव मी जो मैंने अभी ट्रिक समझाया है कि किस तरह से पता चलेगा कि ये मैस्कुलिन है और किस तरह से पता चलेगा ये फेमिनिन है, दिस विल वर्क, डेफिनेटली दिस विल वर्क अ लॉट, ओके, बहुत कम ऐसी चीज़ें आपको देखने में आएंगी, ऐसे वर्ड्स देखने में आएंगे जिनकी एंडिंग ई के साथ हो रही है पर फिर भी वो मैस्कुलिन है, दीज आर सो लेस, ओके, पर देर आर इवन फ्यू ऑफ दम के जिनकी एंडिंग के साथ ई जो है ई के साथ एंडिंग हो रही है पर दे आर मैस्कुलिन, या दे आर मैस्कुलिन, ठीक है, तो बट 90% एज आई सेड के यही फॉर्मूला, इफ द थिंग इज एंडिंग विद ई तो इट्स फेमिनिन, आंखें बंद करके ला लगा दो, ई लगा हुआ है तो आंखें बंद करके ला लगा दो, ना कि ल, ला लगा दो, एल ए ला, तो सेकंड थिंग कि अगर नहीं है, ई नहीं है तो फेमिनिन है, सिंपल। अब स्टार्ट करते हैं द डेज ऑफ द वीक, सो फर्स्ट वन मंडे, मंडे लंदी, मंडे लंदी, मंडे लंदी, मंडे लंदी, मंडे लंदी, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, मागदी ट्यूजडे, मागदी ट्यूजडे, मागदी ट्यूजडे, मागदी वेंसडे, मागदी वेंसडे, मागदी वेंसडे, मागदी Wednesday, mercredi, Thursday, jeudi, Thursday, jeudi, Thursday,
jeudi, Thursday, jeudi, Friday, vendredi, Friday, vendredi, Friday, vendredi, Saturday, samedi, Saturday, samedi. अब कुछ लोग इसको पढ़ते हैं समदी, कुछ कहते हैं समदी, समदी. Both are correct. Okay? Both are correct. आया कि आप इसको पढ़ें समदी या इसको पढ़ें समदी. Both are correct. समदी और समदी. Both are correct. Saturday, समदी, Saturday, समदी, Saturday. Dimanche, Sunday. Dimanche. I am saying dimanche, dimanche, noon bhi bol rahi hun, dimanche, or you can say dimanche, dimanche, okay, both are correct. So, how to say today? Today is aujourd'hui, today, aujourd'hui. So, what is the day today? Quel jour est aujourd'hui? Quel mean what? Jour, day, E-S-T-A, is aujourd'hui, quel jour est aujourd'hui? And you will say, aujourd'hui c'est mercredi. Ab, aujourd'hui c'est mercredi. Today is Wednesday. Today is Wednesday. Quel jour est aujourd'hui? Aujourd'hui, today. So, aujourd'hui is today. An example is, aujourd'hui c'est mercredi. Ab, dekhen. It would be like not C-E-S-T, okay? यहाँ पे होना चाहिए था C-E, sir, and then space E-S-T, sir, A, मतलब this is, okay? Sir, A, this is, but क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं यूज़ की जा सकती in French, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? In French, there is the rule कि अगर दो vowel एक साथ आ रहे हों, तो एक vowel जो है, जो कि first word का है, वो उसको cut कर दिया जाता है, उसकी जगह apostrophe लगा के and then is लगा दिया, like is or am, whatever जो भी है, आगे vowel का word, वो वाला लगा दिया जाता है, जैसा कि sir a, I told you that this would be like sir a mercredi, यानी aujourd'hui sir a mercredi, but this is wrong. You can see कि इससे पढ़ने के अंदाज से भी आप समझ सकते हैं कि नहीं, ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा, right? ये तो सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा, आपके कानों को भी नहीं अच्छा लग रहा होगा सुनने में. So sir a is not the correct form. तो क्या करना है कि आपने और aujourd'hui के बाद sir के बजाय, अगर इसको मैं word to word पहले translate कर दूँ तो वो बता देती हूँ. Aujourd'hui, today, sir a mercredi. Today, this is Wednesday. तो this is Wednesday की जगह उन्होंने क्या किया? Aujourd'hui, C apostrophe E-S-T, sir a की बजाय C apostrophe E को हटा के उसकी जगह apostrophe लगा दिया and then next E लिख दिया vowel का, right? Next A E लिख दिया E-S-T, A. A mean is. तो sir a, तो क्या बन गया? Say. Sir A मिटा के E A का A C के बाद का E काट के तो उन्होंने direct E S T लगा दिया, तो क्या बन गया? Say it's, okay? इसको इस form में भी ले सकते हैं. और aujourd'hui say mercredi, today it's Wednesday, or you can say that today is Wednesday. Today is Wednesday. So today is Wednesday. ये is direct देखें उन्होंने कह दिया, right? तो क्या वैसे इसका क्या मतलब बन रहा है? Today it's Wednesday, okay? Today it's Wednesday. तो aujourd'hui c'est mercredi. जैसा कि आज अगर संडे है तो you will say aujourd'hui c'est dimanche, okay? Aujourd'hui c'est dimanche. तो कोई भी पूछे quel jour est aujourd'hui, you will say aujourd'hui c'est dimanche, okay? और aujourd'hui c'est mercredi. या aujourd'hui c'est lundi. जो भी डे है you will just tell them. aujourd'hui से के बाद you will add the proper day. जो भी आप जिस दिन भी पूछा जा रहा है वो वाला डे आप इसे ऐड कर देंगे and then you will tell कि today is Wednesday, today is Tuesday, today is Monday, whatever is the day. You will say aujourd'hui c'est lundi, today is Monday, aujourd'hui c'est mardi, whatever.
ठीक है, लाइक दिस, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. एंड यू विल, इफ़ यू विल बिलीव मी, यू विल डू दिस प्रैक्टिस एट होम विद योर फेलोज और विद योर इवन पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, बल्कि उनको भी सीखने को मिलेगा एंड आपकी रिवीजन हो जाएगी. इट विल बी गुड फॉर यू, राइट? तो और जब दी से मैं गदी. अच्छा, अब टुडे तो हो गया, यस्टरडे को क्या कहते हैं? यस्टरडे को बोलते हैं ईयर, ईयर यस्टरडे, ईयर यस्टरडे. कोई पूछे, अच्छा आज अगर वेंसडे है तो कल क्या था? ठीक है, यानी कैल जू इते ईयर, ठीक है, कैल जू इते ईयर, कल क्या दिन था? तो क्या कहेंगे आप? ईयर सेते मार्दी, ईयर सेते मार्दी, यानी कल इट वाज क्या था? मार्दी ट्यूसडे. यस्टरडे वाज ट्यूसडे, या यस्टरडे इट वाज ट्यूसडे. बोथ मीनिंग आर करेक्ट, क्योंकि इसकी बोथ सेंस बन रही है. क्या? एक तो ये ईयर सेते मार्दी, यस्टरडे वाज ट्यूसडे, और द ट्रांसलेशन इज आल्सो ईयर सेते मार्दी, यस्टरडे इट वाज ट्यूसडे. ऑलराइट, सो ईयर सेते मार्दी, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ओजुदवी आज क्या दिन है, इसने कहा आज वेंसडे है, तो ऑब्वियसली अगर आज वेंसडे है तो कल क्या था, गुजरा जो दिन वो क्या था? ट्यूसडे. इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ. ऑलराइट, तो कोई पूछेगा कि आप कल क्या दिन था, और कल को क्या कहते हैं? यस्टरडे. यस्टरडे को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ईयर. ऑलराइट, ईयर को. और पूछे कोई कि क्या दिन था, तो यू विल से ईयर सेते मार्दी. ओके, यस्टरडे इट वॉज ट्यूजडे. एंड देन ओके, आवों ईयर, आवों मीन होता है बिफोर. आवों ईयर मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, आवों ईयर द डे बिफोर यस्टरडे. सो द डे बिफोर यस्टरडे यू विल से आवों ईयर सेते, ट्यूजडे के बाद पहले क्या बनता? मंडे. ईयर आवों ईयर सेते लंडी, आवों ईयर सेते लंडी, आवों ईयर सेते लंडी. अब दमा टुमारो, ठीक है, दमा टुमारो. जैसा कि हम क्लास में अगर मैं कहूँ जाते वक्त ओके ओहर वाह मैं जेतुजियों, ओके ओहर वाह मैं जेतुजियों, आदमा आदमा see you tomorrow, demain see you tomorrow. So demain mean tomorrow, demain c'est jeudi, demain c'est jeudi, demain c'est jeudi, tomorrow is Thursday, demain c'est jeudi, tomorrow is Thursday, demain c'est jeudi, tomorrow is Thursday. Après demain, the day before tomorrow, the day after tomorrow. Après demain, the day after tomorrow. Demain mean tomorrow, and après demain, the day after tomorrow. Après demain, the day after tomorrow. Après demain, the day after tomorrow. Okay? Après demain, the day after tomorrow. Après demain, the day after tomorrow. All right? Tous les jours. Every day. एक होता है tous les jours, एक होता है chaque jour, each day. उसको बोलते हैं chaque jour, chaque, jour, chaque jour, every day. But it says tous les jours, all the days, every day. Tous les jours, all the days. Yeah, every day. Tous les jours, every day. Tous les jours, every day. Tous les jours, every day. For example, I'll say, every day is a good day. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Mais quand il y a chaque jour, every day, et is un,
है एक्चुअली ए आ, तो क्यों आ के साथ मैं ए ता क्यों पढ़ी, बिकॉज टी यू के साथ मिल रहा है तो बन रहा है ता, तो क्या साउंड बना, शक जूर ए ता नोवो जूर, एवरी डे इज अ न्यू डे, ठीक है। सो दिस वाज आवर टुडेज लेसन अबाउट डेज ऑफ द वीक, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और जो नहीं आएगा आई होप यू कैन आस्क मी, यू कैन आस्क मी फ्रीली, ओके, आई विल हेल्प यू आउट, जो नहीं आएगा आई विल रिपीट इट फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और इसी तरह से सुनते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, जो नहीं आता उसके बारे में भी डिस्कस करते रहिए, इवन मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिए कि आपको कैसा लगता है, मतलब ठीक से समझ आ रहा है या नहीं, या किस तरह से और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकती हूँ। यू कैन आस्क मी फ्रीली गाइस, फ्रीली यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, एंड थैंक यू सो मच, ऑ रिवॉर, बोन जर्ने, आ डेमा, आ बियंटो, बिजू बिजू।